दोस्तों रोहित शर्मा ने दिया हार्दिक पांड्या को करारा जवाब। आईपीएल के ब्रॉडकास्टर को दे रहे एक इंटरव्यू में उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ साथ उन सभी लोगों पर भी निशाना साधा जो ये कहते हैं कि मुंबई इंडियंस एक सुपरस्टार की टीम है। ऐसे में रोहित शर्मा ने इंटरव्यू में हार्दिक पांड्या को जवाब देते हुए क्या क्या कहा बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों के बीच के विवाद का कारण और रोहित शर्मा का पांड्या को दिया गया जवाब तो क्या था, अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों मुंबई और लखनऊ के एलिमिनेटर से पहले रोहित शर्मा ने आईपीएल के डिजिटल ब्रॉडकास्ट जियो सिनेमा को एक इंटरव्यू देते हुए हार्दिक पांड्या पर निशाना साधा। आपको बता दें हार्दिक पांड्या ने भी इस तरह का इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने एक कहा था कि मुंबई इंडियंस एक सुपरस्टार से भरी टीम है। इसी स्टेटमेंट के जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हार्दिक पांड्या कुछ भी बोलता है, मुंबई इंडियंस सुपरस्टार खड़ी देती नहीं है बल्कि बनाती है। उन्होंने हार्दिक पांड्या का ही एग्जाम्पल देते हुए कहा, चाहे वह हार्दिक पांड्या हो या फिर जसप्रीत बुमराह, ये भी जब मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े थे तो कोई सुपरस्टार नहीं थे, मुंबई इंडियंस में खेलने के बाद वह सुपरस्टार बने। ऐसे ही सीजन के बाद भी हमारे पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले से सुपरस्टार नहीं थे मगर अब वह सुपरस्टार बन गए हैं, चाहे वह तिलक वर्मा हो, फिर नडाल वडेरा या फिर हो आकाश माधवाल। दोस्तों रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में अपने स्क्वाड टीम की प्रशंसा करते हुए कहा था कि एक टीम ने मौजूद सभी लोगों का हमें धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि यही वह टीम है जो मुंबई इंडियंस के लिए लगातार अच्छे प्रतिभा खोज कर लाते हैं जिसे हम सुपरस्टार बनाने में कामयाब हो पाते हैं और फिर लोग हमें सुपरस्टार से बड़ी टीम कहते हैं। दोस्तों रोहित शर्मा ने इस इंटरव्यू में आगे बोलते हुए कहा कि हमारी टीम सुपरस्टार को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं रहती, हमारी टीम खिलाड़ियों को खरीदते समय बस इतना ध्यान रखती है कि हमें उनके साथ अगले 2-3 साल में हम कितने मुकाबलों को जीतने में कामयाब हो सकेंगे। वहीं दोस्तों रोहित शर्मा ने न सिर्फ इस इंटरव्यू में बल्कि इस इंटरव्यू के बाद हुए मुकाबले के पोस्ट मैच में भी इस बात को घसीटते हुए स्वीकार किया कि आज एक बार फिर हमारे स्क्वाड टीम ने एक लाजवाब गेंदबाज को ढूंढ कर लाया है जो कि आज के मुकाबले में 5 विकेट लेने में कामयाब हो सका है। ऐसे में दोस्तों अभी देखना दिलचस्प होगा कि यह विवाद कहां तक चलता है। वैसे भी आपको बता दें इस आईपीएल सीजन में लगातार विवादों में अपना जगह बनाकर रखा है, चाहे वह विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच का विवाद हो या फिर अब नया विवाद जो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच पनपता नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपको इस पूरे विवाद को लेकर क्या मानना है, क्या रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या का जवाब एकदम सही है कि मुंबई इंडियंस सुपरस्टार खरीदी नहीं बल्कि बनाती है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करने वाले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।